अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। Best person to answer that question. जी, उसी से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या किया? ये भी शोज के जैसे उन्होंने बताया कि क्या कैसे नहीं चलता है, अंदर जाके रिपोर्ट चीजें आपको पता चलती है। मेरी वही कोशिश रहेगी कि टेलीविजन करते करते मैं बाहर कुछ ना कुछ और जाते हैं। इट इज नॉट दैट टेलीविजन भी उतना ही चल रहा है। वेब सीरीज का ये हो गया है कि थोड़ा सा इजी हो गया है, आप कभी भी कहीं पे भी देख सकते हैं। टेलीविजन शोज किए हैं और उसमें एक तो मेरा इंटरनेशनल रह चुका है एशियन गेम्स, तो उसके बाद मुझे अब तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ बहुत रियल। बाद में बहुत सारे ऐसे शूट हुए हैं मूवीज, ठीक है ना, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर, कालका, कई ऐसे मूवी हिट्स मूवीज। कभी धनबाद के बारे में इससे पहले आपने सुना था? जी जी, मैंने एक तो मेरी बहुत पुरानी दोस्त रह चुकी हैं समीरा, और हम लोग कॉलेज में भी साथ थे, ऐसे मेरे कॉलेज में भी साथ थी वो, उनके उनसे मैंने धनबाद के बारे में सुन रखा था। एंड सेकंड, मैंने जब गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी तो आई वाज रियली रियली इम्प्रेस्ड कि अच्छा ये भी एक टाइम रह चुका है यहाँ का। सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे कोल के बारे में सुना हुआ है, एंड यहाँ का खाना, बंगाली फूड जो यहाँ पे मिलते हैं, स्वीट्स, गुड़ वाली स्वीट्स एंड ऑल। हाँ, यहाँ धनबाद का बहुत नाम है। क्या क्या सोच, क्या फीलिंग्स था आपके धनबाद में आने आए तो, क्या क्या फीलिंग्स था? थोड़ी सी मिस कहती थी बिकॉज मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा था, पर जब मैं यहाँ आई, लोगों का प्यार देखा, मैंने लिट्टी चोखा खाया, मैं वहाँ पे लाइफ में गई, तो अच्छा लगा। मुझे लगा कि नहीं, ये तो जस्ट एक मिथ है, ये जो जगह है ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, लोग बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे, किसी को किसी से मतलब नहीं है, बट ये है कि कोई अननेसेसरीली आपको पोक नहीं करेगा। आपने कभी धनबाद के बारे में सुना था इससे पहले? धनबाद के बारे में मैंने उड़ते उड़ते थोड़ा सा सुना था, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही मुझे ये न्यू ईयर के लिए यहाँ पे आना था, तब मैंने रिसर्च की, और तब मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जैसे यहाँ का और थोड़ा आसपास का लोकल का मैंने देखा, लिट्टी चोखा खाया आते ही, सो इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस, और मैं दोबारा भी आना चाहूँगा। आप अपने थोड़े से रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों के बारे में बताइए। रियल लाइफ के बारे में क्या बताऊँ, आप मुझसे पूछिए कुछ रियल लाइफ के बारे में बताइए। बट क्या बताऊँ, जैसे आप आपकी मूवीज़ के बारे में बताइए। अच्छा चलिए, आप ये बताइए कि धनबाद जो है, आपने धनबाद के बारे में क्या सुना था इस तरह? मैंने ज़्यादा कुछ, मैं वही बता रही हूँ, मैंने नहीं सुना था, मैंने थोड़ा बहुत जो रिसर्च किया यहाँ का खाना पीना थोड़ा सा, और जो टिया है उनको खाने का काफ़ी नॉलेज है, तो उन्होंने बताया लिट्टी चोखा ये वो, तो हमने खाया थोड़ा सा लिट्टी चोखा, आज भी अच्छा लगा, वो घी वी में फुल डुबो के वैसे वाला खाना, तो काफ़ी अच्छा लगा। अपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा जो धनबाद के ऊपर बनी थी, कालका? ये मैंने सुना है गैंग्स ऑफ वासेपुर यहाँ धनबाद के ऊपर यहाँ पे बनी थी, बट मैंने देखी नहीं गैंग्स ऑफ वासेपुर, फॉर सम रीज़न टाइम नहीं मिल पाया, या उसमें सुना है काफ़ी मारना है, तो उस वजह से शायद वो उस वक्त देख नहीं पाई, और उसके बाद फिर काम में बिजी होते 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 हाँ देखते हैं। आज के परफॉर्मेंस को बताइए क्या क्या आज होने वाला है? काफ़ी कुछ होने वाला है, दो परफॉर्मेंस है, पाँच पाँच छः छः मिनट के सॉन्ग्स हैं, एंड तीन तीन चार चार सॉन्ग एक सॉन्ग में मिक्स किए हुए हैं, तो आई एम रियली एक्साइटेड और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ बिकॉज लाइव परफॉर्मेंस है पब्लिक के सामने, एंड लेट्स सी, आई एम रेडी Still nervous, so both. मतलब कुछ ही घंटे के बाद नव वर्ष आने वाले, लोगों को क्या बधाई दें? Wish you a very happy new year in advance, जिस वक्त मैं परफॉर्म कर रही होंगी, और अगर मुझसे थोड़ी सी गलतियाँ हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और इन्जॉय दीजिएगा। क्या संदेश है धनबाद के लोगों को? क्या संदेश है? ये धनबाद के लोगों के लिए संदेश था कि इन्जॉय कीजिए, पार्टी कीजिए, वहाँ पे आइए, साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, परफॉर्मेंस देखिए, और अगर मैं थोड़े से स्टेप भूल जाऊँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए।